नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और अब वक्त हो चला है न्यूज टॉप 9 का। युद्ध विराम समाप्त होने के बाद गाजा में कहां कहां बमबारी हुई है, वेस्ट बैंक में इसराइल हमास में कहां कहां लड़ाई जारी है, विध्वंस की खबरों के बीच देखिए इसराइल फिलिस्तीन युद्ध टॉप 9। इजरायली सेना ने एक सप्ताह के विराम के बाद गाजा पट्टी में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। सीज फायर खत्म होने के साथ ही रॉकेट हवाई हमले और जमीन पर भी लड़ाई शुरू हो गई। एक बार फिर गाजा में बारूदी शोर सुनाई दे रहा है। सीज फायर पर सहमति नहीं बनने के बाद दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना ने भीषण बमबारी की है। लड़ाकू विमानों ने आसमान से बारूदी बारिश की। IDF ने यहया सिनवार के मजबूत किले खान यूनिस को ध्वस्त कर दिया। हमास के साथ जारी युद्ध विराम की अवधि समाप्त होते ही उत्तरी गाजा में बारूदी गदर शुरू हो गया। भीषण बमबारी से एक बार फिर गाजा धुआं धुआं हो गया। इजरायली सेना एक बार फिर अस्पतालों को निशाना बना रही है। नसर अस्पताल के पास IDF ने भीषण बमबारी की। सीज फायर टूटने के 3 घंटे बाद से ही गाजा में तबाही के निशान दिखने लगे। बारूदी बरसात के बीच लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। सिर्फ 3 घंटों में ही 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजरायल के हवाई हमले के बाद से हमास ने भी हमले तेज कर दिए हैं। गाजा बॉर्डर के पास हमास ने एक के बाद कई रॉकेट दागे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमास के हमले के बाद एक कार में आग लग गई। हमास द्वारा दागा गया रॉकेट एक घर के गेट पर जा गिरा। इसराइल हमास की फिर बारूदी जंग शुरू हो गई है। गाजा पर इजरायली गोले बरस रहे हैं तो इजरायली शहरों पर हमास की ओर से रॉकेट दागे जा रहे हैं। वॉर जोन में मौजूद टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्टिंग के दौरान हमास ने रॉकेट दागे। 7 दिन बाद फिर गाजा के कई इलाकों में इसराइल की तोपें गरज रहे हैं। वायुसेना बारूदी बारिश कर रही। दक्षिण गाजा में राफा के रिहायशी इलाकों में IDF ने तबाही मचा दी। हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई घर तबाह हो गए। हमास ने युद्ध विराम तोड़कर इसराइल के गुस्से को भड़का दिया है। यही वजह है कि दोनों तरफ से बारूदी बारिश शुरू हो गई। युद्ध विराम खत्म होने से पहले ही हमास ने इसराइली शहरों पर रॉकेट से प्रहार किया। इसराइली शहर नेटिवोर में भीषण धमाका हुआ। इसराइल ने हमले को नाकाम कर दिया। सीज फायर टूटने के बाद इसराइली शहरों में युद्ध के सायरन बज रहे हैं। गाजा से सटे इसराइली शहरों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। आयरन डोम को भी एक्टिव कर दिया गया। आशंका है कि हमास साउथ गाजा सीमावर्ती इलाकों पर और रॉकेट दाग सकता है।